आपने अक्सर कई बार लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि हमारी जीवा पर दिन में एक बार सरस्वती जरूर बैठती है, इसलिए हमेशा लोगों को शुभ और मीठा बोलने की हिदायत भी दी जाती है। यानी कि जब भी हमारे जीवा पर सरस्वती विराजमान होती है, उस दौरान हमारे मुख से निकली वो बात सत्य हो जाती है। ऐसे में इस वक्त पर कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या ये बातें सिर्फ कहने भर को है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? और अगर सत्य है तो वो कौन सा वक्त है जब हमारी कही बातें सच हो जाती हैं? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इसे लेकर आइए जानते हैं। अब हम आपको पहले ये बताएं कि माँ सरस्वती हमारी जीवा पर कब विराजमान होती है। उससे पहले माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू धर्म में उन्हें लेकर क्या उल्लेख मिलते हैं और क्या है उनका वाणी से कनेक्शन, ये उस वक्त की बात थी जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना और उनके निर्माण का कार्यभार भगवान ब्रह्मा के कंधे पर डाला। महादेव के कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और उसमें पृथ्वी का भी निर्माण किया, जिसमें पेड़ पौधों का निर्माण हुआ, समुद्र बने, नदियाँ बनी, विशाल पेड़ और कई ऐसी चीजें बनाई गयी जो मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी थी। अब ये सब कुछ बनाने के बाद भी ब्रह्मा जी अपने द्वारा बनाई गई पृथ्वी से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अपनी इस रचना में कुछ कमी लगी, क्योंकि पृथ्वी जितनी सुंदर दिखने में लगती है उतनी ही वीरान भी थी। ऐसे में ब्रह्मा जी को ध्वनि और वाणी का सूनापन खलने लगा, क्योंकि इसमें ना तो पक्षियों की चहचहाट थी और ना ही कलकल करती नदियों की ध्वनि। हवा तो थी लेकिन उसकी सरसराहट यहाँ सुनाई नहीं देती थी। ऐसे में ब्रह्मा जी को सृष्टि में ये सारी कमी खलने लगी। अपनी सृष्टा को लेकर निराश ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जहाँ पहुँचकर दोनों ने माँ दुर्गा का आवाहन किया और फिर माँ दुर्गा के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। एक दिव्य नारी माँ दुर्गा के शरीर से प्रकट हुई, श्वेत वस्त्र पहने उस दिव्य नारी के एक हाथ में वाणी तो दूसरे हाथ में वर्णमाला और तीसरे हाथ में पुस्तक लिए खड़ी थी, जिन्हें नाम दिया गया सरस्वती। माँ सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से ऐसा मधुर संगीत बजाया कि प्रकृति को नया सार मिल गया। वीणा का संगीत बजाते ही विश्व के समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। हवा की सरसराहट, नदियों के पानी में कलकल की ध्वनि प्रकृति में एक प्रेम रस खोलने लगी। कुछ ऐसे माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड जगत को वाणी मिली। कहते हैं माँ सरस्वती ने पहली बार वीणा बजाकर सृष्टि में ज्ञान की धुनी फैलाई थी। माँ सरस्वती की इस धुन से जो पहला शब्द निकला वो सात सुरों का प्रथम शब्द स माना गया है। इन स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचालन होने लगा, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ को सुरों की देवी बागेश्वरी नाम दिया। और आज हिंदू धर्म में ग्रंथ और पुराणों में माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और वाणी की देवी बताते हैं, जो लोगों को अंधकारमय जीवन से निकालकर उन्हें सही राह पर ले जाती है, जो कीचड़ में पड़े कमल पर विराजमान होकर भी लोगों को ये संदेश देती है कि हम चाहे कितने भी दूषित वातावरण में रहें, लेकिन खुद को ऐसा बनाए रखना चाहिए कि उस बुराई का प्रभाव आप पर कभी न पड़े। वैसे जीवा पर माँ सरस्वती विराजमान होती है, इस बात को उनसे जोड़कर इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि माँ सरस्वती वाणी की देवी है, जो 24 घंटे में एक बार हर व्यक्ति की जीवा पर विराजमान होती है। इस समय को लोग गोल्डन मिनट के नाम से भी जानते हैं। वैसे ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि प्रमाणिक सत्य है। अब अगर माँ सरस्वती जीवा पर विराजमान होती है तो वो कौन सा समय है जब मुख से निकली हुई बातें सही साबित होती हैं? दरअसल कहा जाता है कि रात को 3:10 से 3:15 के बीच का समय सबसे अच्छा होता है। 5 मिनट के बीचों बीच बोली गई कोई भी बात अवश्य सिद्ध होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही समय गोल्डन मिनट में रखा जाता है? तो आपको बता दें कि इसके लिए भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप गोल्डन मिनट की गणना कर सकते हैं। अब ये गोल्डन मिनट 24 घंटे में कब आते हैं ये पता करने के लिए आपको महीने की शुरुआत और दिन का आकलन करना होता है। मान लिया जाए कि ये फरवरी का महीना है और तारीख है 5, तो आपका गोल्डन मिनट हुआ 5:02, यानी कि सुबह के 5:02। वहीं 25 तारीख से 31 तारीख के बीच हम इसका उल्टा काउंट करेंगे, तब हमें इसका सही गोल्डन मिनट मिलेगा। जैसे अगर जनवरी का महीना है और तारीख है 25, तो गोल्डन मिनट 1:25 पर होगा। यानी कि अगर जब भी जीवा पर माँ सरस्वती का वास होता है उस समय के अंतराल में बोला गया शब्द सच हो जाता है। यही वजह है कि घर के बड़े बुजुर्ग भी नकारात्मक बोलने से मना करते हैं,
इसीलिए दोस्तों कभी भी बोलने से पहले सोच जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती का वास जीवा पर कभी भी हो सकता है।